उनके दिल में दर्द है सरकार ने गिरा दी मध्य प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र की राजस्थान गवर्नमेंट गिरा नहीं पाए हम लोग वो जो उनके दिल में दर्द है वो झलकता बार बार पिन पॉइंट करके जो कोई धावा बोल दिया हो राजस्थान पे वैसे कैंपेन उन्होंने किया है सरकार इस बार रिपीट होगी ये निश्चित है क्योंकि माए बाप जनता होती है जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है मैं केरल गया था केरल के अंदर छिहत्तर साल तक एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आते थे इस बार सिर्फ इसलिए रिपीट हुई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट कि कोविड में अच्छा काम किया तो अगर वहाँ के लोग समझदार हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं लोग समझते हैं कि यहाँ भी शानदार काम हुआ कोविड का बीरोड़ा मॉडल हमारा पूरे डब्ल्यू एच ओ तक तो पहुँच गया और साथ में जो हमने कानून पास किए हैं वेलफेयर के स्कीम लेके आए हैं राइट right टू हेल्थ का एक्ट बना दिया चीन योजना ले कर आ गए जो पच्चीस लाख का बीमा था पचास लाख का कर दिया हिंदुस्तान में कहीं पेमें नहीं है ओ लागू कर दिया जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए क्योंकि उनकी सिक्योर हो गई रिटायरमेंट के बाद लाइफ मैं समझता हूँ कि और भी कई कारण हैं कि जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को हमारी स्कीमों को हमारे फैंस लोगों लोगों ने लाइक किया इसलिए कई चल रहे राजस्थान में एंटी इनकम अभी चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है तो अगर सरकार के विरुद्ध में कोई लहर नहीं लग रही है तो संभावना ये है कि आप सरकार बनाओगे वापस सर लोग तो यही कहते हैं कि एंटी इनकम कैंडिडेट्स हैं एम हैं उनके खिलाफ नहीं वो भी मैं समझता हूँ कि देखिए एक तो झूठा बदनामी बहुत किया गया जान बुझ के आर एस एस बीजेपी नहीं एम एल ए के बारे में क्या कह, कह रहा था कि भाई चालीस दिन तक तो हमारे साथ रहे थे वो जिस प्रकार बीजेपी का जो षड्यंत्र है सरकार गिराना का हॉस्ट करके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक सरकार गिरा दी पचास बार एम टूट गए वहाँ पर कोई पच्चीस करोड़ की बात करे तीस करोड़ की बात करे पैंतीस करोड़ की बात करता है हमारे यहाँ पहली किस्त दस करोड़ की थी अगर एम एल ए कोई साथ दे उनका तो सगा गिर जाती हमारी एक एम एल ए छोड़ के नहीं गया मैं अगर वो करप्ट होते तो दस करोड़ रुपये कौन छोड़ता तो ये ये बकवास है कि भाई सब करप्ट लोग थे हाँ करप्शन कहाँ नहीं होता है कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है इसलिए वो जो लोग उम्मीद करते थे कि टिकट रिपीट होंगे तो लोग रिवोल्ट करेंगे वो रिवोल्ट भी नहीं हुआ बल्कि ज़्यादा रिवोल्ट हुआ बीजेपी के अंदर हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी में क्यों रिवोल्ट हुआ जाता तो इसलिए माहौल हमारे पक्ष में लगता है देखिए प्रधानमंत्री जी हो जो कोई हो कोई जमाना था एक मीटिंग या दो मीटिंग करते थे राज्यों में गांव-गांव में मैसेज चलाया जाता था कि आज प्रधानमंत्री ने ये बात कही है उसका विश्लेषण होता है गाँव गाँव में घर घर के अंदर अब प्रधानमंत्री जी को तीस तीस मीटिंग करने पड़ती है कल तक आए वो एक मीटिंग करने के लिए राजस्थान मैसेज देने के लिए तो आप सोच सकते हो कि वो जो भाषा काम ले रहे थे वो सिर्फ इसलिए ले रहा बार बार पूछ रहे मुझे आप पेटे कर रहे थे इसलिए करते थे उनके दिल में दर्द है तो सरकार मैंने गिरा दी मध्य प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र की राजस्थान गवर्नमेंट गिरा नहीं पाए हम लोग वो जो उनके दिल में दर्द है वो झलकता बार बार इसलिए वो पिन पाइंड करके जो कोई दवा बोल दिया राजस्थान पे वैसे कैम्पें उन्होंने किया है और अटैक किया हमारे सब पर तो क्योंकि उनके दिल में दर्द ये सगा गिरा नहीं पाए हम लोग जनता हमारे साथ थी उस वक्त में आर्मी साथ हैं हाईकमान पूरा मैनेजमेंट किया देखा कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी असम्बली सेशन बुलाने तक रोका गया तब भी सरकार घिरी नहीं उनसे इसलिए वो दर्द है इसलिए वो सब अटैक हो रहा है हमारे ऊपर सर आखिरी और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जनता से क्या देंगे? आज जब मतदान करने जाए जनता तो क्या अपील है मैं एक अपील करूंगा कि अगर छोटी बड़ी गलती भी कहीं हुई है मान लीजिए गलती मुझसे भी हो सकती है पर आपको अभी राज्य के हित को देखते हुए राज्य के इंटरेस्ट के अंदर जब हमने सुशासन दिया है इतनी अच्छी स्कीम दी है हम चाहेंगे सरकार रिपीट होगी तो ही ये स्कीमें वहां पर मजबूत होगी वरना कई स्कीमों को तो सगा आते ही वो ख़त्म कर देते हैं हमारे पहले भी रिफाइनरी बंद कर दी मेट्रो बंद कर दिया कई काम बंद कर दिए हमारे उनकी फितरत में ही बातें हैं हम चाहेंगे हम स्कीमों को और ज़्यादा स्कीम लेके आए इन स्कीमों को और मजबूत करें जो गारंटी दी उनको लागू करें तो हमारा एजेंडा साफ है दो का मिशन दो उस रूप में हम चल रहे हैं